हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल डीसी मैथ क्लासेस चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म में देखो फिर से कंटिन्यू करेंगे। पिछले लास्ट वीडियो को हमने देखा था, लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन देख ली थी एंड उसके हम कुछ न्यूमेरिकल प्रूफ कर लिए थे हमने। एलिमेंट्री फंक्शनों के लाप्लास ट्रांसफॉर्म को मैंने प्रूफ के साथ बता दिया। और अब देखो, अब ये वीडियो है ना बहुत ही शानदार होने वाला है। अब इसमें हम क्या मेन टॉपिक है हमारा पास, प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। अब ये प्रॉपर्टी है ना, इन्हीं से ही हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है हर बार, है ना। तो इसमें देखो हमारे पास छह प्रॉपर्टी है। पहली मेरे पास क्या कौन सी प्रॉपर्टी है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी। एंड दूसरी कौन सी मेरे पास, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। थर्ड कौन सी है मेरे पास, मल्टीप्लाई बाय टी प्रॉपर्टी। ये वेरी वेरी मोस्ट है, ये बहुत ही मोस्ट है, ये एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है, ये आपको यूज होगी पूरे लाप्लास ट्रांसफॉर्म में, ये यूज होगी। एंड हमारे पास फोर्थ है डिवाइडेड बाय टी प्रॉपर्टी, ये तो मल्टीप्लाई होगी, अब डिवाइडेड बाय टी प्रॉपर्टी। उसके बाद है डेरिवेटिव प्रॉपर्टी, उसके बाद है इंटीग्रल प्रॉपर्टी। अब हम करेंगे क्या कि इन सब प्रॉपर्टी को हम एक एक करके देखेंगे प्रूफ के साथ में। तो देखो, फर्स्ट मेरे पास पहली प्रॉपर्टी कौन सी है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी। लीनियरिटी प्रॉपर्टी है ना, तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी में देखो, लीनियरिटी प्रॉपर्टी में एक्चुअल में होता क्या है, देखो सिंपल समझना है आपको कि हमें इतना तो पता है कि हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ किसी भी फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है मुझे पता है, एफ बार एस, और यहां से जो भी होता है जीरो टू इंफिनिटी की पावर माइनस का एस टी एफ टी एंड डी टी, ये होता है। लेकिन अब हमें तो करना क्या है कि हमें प्रॉपर्टी यूज करनी है, तो हम क्या करेंगे, अभी इस डेफिनेशन को हम भूल जाते हैं इधर। तो हमें पता है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ किसी भी फंक्शन का क्या होता है, एफ बार एस होता है। एंड कोई दूसरा फंक्शन है और उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो गया, कोई फंक्शन जी टी है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो गया, जी बार एस, ये हो गया। देन अब ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या होगी कि ये दोनों लाप्लास ट्रांसफॉर्म हमें इस तरह से पूछ लिया जाए, कोई कॉन्स्टेंट पद ए एफ टी प्लस बी जी टी इस तरह से पूछ लिया जाए तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। तो आपको करना क्या है, अब देखो यहां से लीनियरिटी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी, है ना। इस तरह से लीनियर का मतलब क्या होगा कि अलग अलग हो जाते हैं हमारे पास, प्लस बी लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ जी टी, और जो भी आएगा वो आ जाएगा ए एफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, एफ बार एस, प्लस का बी जी टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म जी बार एस, तो ये हो जाएगा। अब सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे एग्जांपल किया मैंने कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ थ्री कॉस फाइव फोर टी प्लस नाइन साइन थ्री टी, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है मुझे। तो मैं क्या करूंगा अब इसमें लीनियरिटी प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा और सिंपल सा क्या हो जाएगा मेरे पास, देखो अब यहां से किया मैंने जैसे थ्री लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस 40, है ना, ये किया, प्लस नाइन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 3t, ये किया। अब हमें पता है, इनका तो पता है कॉस का क्या होता है, s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की जगह 4 का स्क्वायर आ जाएगा, है ना, इधर ये हो गया प्लस 9, और इधर हो जाएगा साइन का क्या हो जाएगा, a अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a की जगह 3 का स्क्वायर, तो ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा इस तरह। बिल्कुल सिंपल है लीनियरिटी प्रॉपर्टी। अब हमारे सेकंड है जो क्या है मेरे पास, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। ये देखो ये मोस्ट है, तो हम देखेंगे अब इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, इसको करते हैं सॉल्व। तो आप देखो फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में होता क्या है फ्रेंड्स, एक्चुअल में देखो सिंपल है, देखो जैसे हम इसमें चले गए ऐसे ही इसमें करेंगे हम। करना क्या है, हमें पता है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी क्या होता है मेरे पास, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी क्या होता है, एफ बार एस होता है। अब फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में क्या होता है कि हमारा जो फंक्शन होता है ना, ये वाला फंक्शन, ये किससे मल्टीप्लाई मिलेगा आपको, ई की पावर ए टी से मल्टीप्लाई मिलेगा, ये होता है हमारे पास फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब ये e की पावर a t से मल्टीप्लाई मिलेगा कोई फंक्शन, तो इधर क्या होगा हमारे पास, ये f बार s है ना, इसके अंदर क्या होगा, इसमें जो s रहेगा ना हमारा, वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, s माइनस a से रिप्लेस हो जाएगा। अगर देखो, अगर यहां पे आपको मिलेगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ क्या,
ई की पावर माइनस का ए टी और एफ टी, मतलब माइनस का ए टी से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, इधर आपको करना क्या है, अब इसमें एस माइनस, अब एस ये माइनस तो ये रहा, अब ए की जगह क्या है माइनस का ए है, तो वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का ए हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है इसके अंदर, ये आपका सिंपल सा। अब इसको हम सिद्ध करते हैं, देखो अब मैं प्रूफ बताता हूं इसका, प्रूफ तो प्रूफ में क्या होगा, हम डेफिनेशन लेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये मैंने और पिछले वीडियो में देखो आपको बहुत अच्छे से समझाया है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो वहां जाके जरूर देखें एक बार पिछले वीडियो को, तो आपको जाके ये समझ में आएगा, है ना। तो डेफिनेशन क्या होती है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ बार एस एंड इधर जीरो से इंफिनिटी ई की पावर माइनस का एस टी एफ टी एन डी टी, ये होता है। अब हमें करना क्या है कि इस एफ टी, एफ टी में क्या हो रहा है, एफ टी में ई की पावर ए टी से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो करता हूं मैं पूरे में ई की पावर ए टी एंड एफ टी मल्टीप्लाई किया पूरे में, तो इधर आया मेरे पास एफ बार एस, है ना, जीरो टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस का एस टी एफ टी की जगह क्या, अब एफ टी की जगह क्या किया मैंने, ई की पावर ए टी मल्टीप्लाई किया ना पूरे में, तो इधर भी होगा राइट साइड भी ई की पावर ए टी एफ टी एंड डी टी, ये हुआ, है ना। अब देखो अब क्या होगा मेरे पास, इधर इसको सॉल्व करता हूँ, ओनली जीरो टू इन्फिनिटी, अब ई की पावर मैंने जैसे पिछले क्वेश्चन में यहाँ से क्या कॉमन लिया था, माइनस का टी कॉमन लिया था, तो इधर से क्या बनेगा एस एंड माइनस का ए बन गया एंड ये बन गया एफ टी एंड डी टी। अब देखो फ्रेंड्स, अब हमारे पास ये फॉर्मूला आपको समझना है, अगर देखो मेरे पास हमारा जो सिंपल फॉर्मूला होता है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इक्वल टू क्या लिखते हैं हम उसको, कि जीरो टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस का एस टी एफ टी एंड डी टी, ये होता है हमारे पास, है ना। अब इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं एफ बार एस, तो एफ बार एस देखो अब यहाँ पे देखो टी के फलन में क्या है, टी के गुणांक में क्या है माइनस एस, तो इस वजह से इसको क्या लिख दिया एफ बार एस। लेकिन अब देखो हमारे पास ये जो फॉर्मूला आया है ये वाला, अब इसमें क्या रहा है, हमारा पूरा फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन हुआ क्या है यहाँ पर देखो, माइनस का टी, ये रहा माइनस का टी, अब ये एस माइनस ए है, तो एफ बार एस के अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ से ये पूरा किसके बराबर हो जाएगा, एफ बार एस माइनस ए के बराबर हो जाएगा। अब देखो सिंपल वही हो रहा है ना, कि एफ बार लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई की पावर ए टी एंड एफ टी, ये आएगा निकल के हमारे पास एफ बार एस माइनस ए, है ना, ये निकल के आएगा जीरो टू इंफिनिटी ई की पावर माइनस का एस माइनस ए इंटू टी एंड एफ टी एंड डी टी, इस तरह से ये फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन आपको तो ये रखना है कि हमें एफ बार एस होता है किसमें, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी में, ई की पावर ए टी से किसी फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो एस माइनस ए, और माइनस के से करेंगे तो एस प्लस ए से रिप्लेस हो जाएगा एस हमारा। आइयो फ्रेंड्स, ये समझ में आया होगा, हम देखो हर वीडियो में एक एक टॉपिक क्लियर करेंगे, तो आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रॉपर्टी को सिद्ध करेंगे। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।